अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो हम भी ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह का। और दुआ करती हूँ कि आप सब भी ठीक ठाक रहें, अपने अपने घरों में खुश रहें। तो जी, ये जो नाश्ता बन रहा है, देसी घी के पराठे, और साथ मैंने आलू बनाए थे, आलू की भुजिया, और उसके अंदर मैंने अंडे बॉईल करके डाले हैं। तो जी, पेड़े भी मैंने बना लिए थे, साथ साथ सालन एक साइड पे बन रहा है, और साथ साथ मैं बना रही हूँ पराठे, क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे। बहुत मज़ा आया था सबको। तो जी, नाश्ते के बाद हमने जाना था कार वॉश करने के लिए, तो बच्चे भी साथ बैठ गए, तो और मैं भी साथ ही चली गई थी। बच्चे पता है इंजॉय करते हैं कार वॉश होना। तो फिर आगे भी थोड़ा काम था तो जाना था, और फिर घर आके खाना भी बनाना था, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये कार वॉश पे चलते हैं। उधर बारिश थी तो मतलब कि थोड़ी रुकी हुई थी, लेकिन कोई नहीं था उधर, है तो उन्होंने ना बंद कर दिया था। जब कोई गाड़ी आती थी तो वो स्टार्ट करते थे, तो हम भी थे बस उधर। तो उन्होंने फिर 2 मिनट मतलब कि 1 सेकंड उन्होंने हमें वेट करवाया बाहर। तो फिर उन्होंने मशीनें वगैरह ऑन की हैं, तो इसलिए हम फिर गए अंदर। हालांकि कोई भी नहीं था बारिश में, क्योंकि बारिश में तो काम ही लोग करवाते हैं ना। तो क्योंकि हमारी गाड़ी जानी थी कैनेडा, तो इसलिए कह रहे थे कि साफ़ हो जाए। तो पहले पेट्रोल भर डाला था और फिर हम कार वॉश के लिए आए हैं। तो वो लड़के ना अंदर अपना वो मशीन वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, तो इधर कहते हैं कि स्टे करें थोड़ी देर, तो अभी वो बुलाएंगे। है ना, तो ये देखें, कह रहे हैं कि आ जाए, तो हम जा रहे हैं अंदर। इधर मैंने म्यूज़िक मतलब के वो क्या नाम है इसका, स्पीकर बंद नहीं किया, तो इधर आप इंजॉय करें हमारी आवाज़ों के साथ। फिर इसके बाद मैं मिलती हूँ। तो अच्छा जी, कार हो गई है हमारी वॉश। तो उम्मीद है आप भी इंजॉय करें, किया होगा आपने भी इंजॉय, वैसे बोला ही नहीं जा रहा। तो ये जी रूहान लेके आया था रास्ते में प्राइम, 2 फ्लेवर लेके आया है, पिंक एंड ब्लू। आजकल पता है सब बच्चों को ये जुनून चढ़ा हुआ है कि हर दुनिया में लगता है फेमस हो गई है प्राइम।
प्राइम प्राइम हो गया तो ये कह रहा था कि मुझे लेके दें। सब बच्चों ने ली हैं लेकिन इसने 2 ली हैं, तो बाकी अपने लेके चले गए हैं। तो इसकी मैंने कहा चलिए आपको भी दिखा दूँ, प्राइम भी नहीं हो किसी ने तो मैं आपको दे देती हूँ। तो फिर घर आके खाना बनाया है, कढ़ी बनाई है। मौसम भी था पकौड़ों वाला, काफ़ी सर्दी थी और बारिश वगैरह सारा वीक ही चल रही है। तो फिर साथ बोनलेस चिकन का सालन बनाया है, उसके और छोटे छोटे पीस किए हैं। पहले भी क्यूब्स में थे लेकिन उनको और हमने छोटा किया है। तो एक साइड पे कढ़ी बना रही हूँ, तो मेरी भाभी जो है, मेरी जेठानी जो है, वो चिकन का सालन बना रही है, मैं कढ़ी बना रही हूँ। साथ उसके पकोड़े का बना लिया मैंने। तो कढ़ी जब रेडी होगी तो उसके साथ ही मैं ना गरम गरम पकोड़े उसके अंदर डालूंगी। और आज 2 डिशें हमने इसलिए बनाई है कि मैंने अपने ना गोरे हमसाए को देना है खाना, तो इसलिए 2 भी घर वालों ने भी खाना है तो उधर भी मैंने देना है उनको ना थोड़ा सा। वो बड़ा उनको अच्छा लगता है कि देसी स्पाइसी खाना, तो इसलिए। और बनाई भी ज़्यादा ही थी क्योंकि उनको फिर ज़्यादा देनी तो है थी ना, तो फिर 3-4 रोटियां मैंने उनको बना के दी है। घर की रोटी उनको बहुत अच्छी लगती है, तो फिर मैंने रोटियां भी इनके लिए बनाई है और सालन भी दी है, दोनों सालन दी है। साथ सलाद बनाया था, चटनी बनाई थी घर में। हमारा पुदीना मैंने आपको दिखाया होगा, तो वो उतार के दही भी घर में बनाते हैं, तो उसकी भी मैंने चटनी उसको थोड़ी थोड़ी प्याली में डाल के ना दी है। लेकिन मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी, ट्रे मैंने रेडी किया था क्योंकि वो बाहर जब बच्चे आते हैं ना तो स्टॉप पे वो आता है, तो बस फटाफट मैंने उसको पहुँचाया है क्योंकि बारिश भी बहुत तेज़ थी। अम्ब्रेला लेके फिर घम गए तो वो टाइम भी नहीं था, वो फिर अपने घर चला जाता तो मुझे उसके घर जाना पड़ना था अगर मैं आपको दिखाती, तो इसलिए फिर मैं आपको बता रही हूँ। तो ये देखें जी, साथ सारा पकोड़े मैं बना रही हूँ। बच्चों के आने से मतलब कि पहले ही सारा कुछ हो जाए ना रेडी, क्योंकि एकदम फिर भूख लग जाती है। छुट्टी का दिन था लेकिन अपने अपने कमरों में गए हुए हैं तो फिर भूख लग जाती है, तो सारे फिर बड़े भी गाते तो हमने कहा एक टाइम पे खाना खाएं। तो जी गरम गरम का ही पता है कढ़ी का मज़ा आता है, और चिकन का सालन भी बहुत अच्छा बना था। और मैं आपको बता दूं कि जो बेसन मैंने थोड़ा बच गया था ना, तो उसके अंदर भी ना मैंने बेसन वाले नान बनाए हैं, जो बाज़ार के नान होते हैं ना, वो लेके थोड़ा उनको नरम करके माइक्रो में, तो मैंने बेसन के अंदर डिप करके ना वो भी मैंने साथ बनाए हैं, बड़े मज़ेदार बने थे। चटनी के साथ ना पुदीने की, दही की, वो क्या उसका नाम है, धनिए की चटनी के साथ खाए तो बड़ा मज़ा आया था। साथ सालन के साथ भी चटनी ले लें, तो ये था हमारा जी खाना, तो मज़ा आ गया था सबको। 2 चीज़ें हो तो वैसे भी ज़रा इंजॉय करती हैं सारे। तो जी साथ मेरे रोटियां बना रही हूँ, तो इसके साथ ही अब थोड़ी देर तक मैं आपसे इजाज़त ले लूँगी कि खाना खाने का टाइम हो गया। मैं वो टेबल को नहीं सेट किया, बस जो आ रहा था अपना डाल के लेके जा रहा था। तो चलें जी ठीक है, फिर मुझे इजाज़त दे दें। खुदा हाफिज़, अपना याद रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा।